असम में बाढ़ ने दी दस्तक। बाढ़ से 5 जिलों में 30,000 से अधिक लोग प्रभावित होने के साथ ही 9,000 लोग विस्थापित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन के अनुसार लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, दरंग और ग्वालपारा जिले के कुल 127 गांव डूब गए हैं, जबकि 579 हेक्टेयर फसल क्षेत्र अब भी बाढ़ के पानी में है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के सदस्यों ने अब तक सबसे बुरी तरह से प्रभावित ग्वालपारा जिले में 400 बाढ़ पीड़ितों को निकाला है, जहां लगभग 22,600 लोग प्रभावित हुए हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि ग्वालपारा जिले में 33 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 8,941 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। यह कहा गया है कि जिया भराली नदी सोनितपुर और कामरूप जिले के पुतिमारी में NH रोड क्रॉसिंग पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य भर के 500 पोल्ट्री पक्षियों के सहित कुल 12,000 से अधिक जानवर प्रभावित हैं। SDMO की रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर में एक सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।